हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जेस्ट में आपका। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आरआरबी जेई के अंदर जो परिणाम डेट है, रिजल्ट डेट है, वो कब तक आ सकती है, रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, कट ऑफ प्रोसेस क्या होगा बनाने का आरआरबी की तरफ से, और शिफ्ट में किस शिफ्ट में कितना बेनिफिट मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बात करूंगा शिफ्ट बेनिफिट के बारे में। जिन शिफ्ट का या जिन कैंडिडेट का पेपर पहले हुआ था, यानी कि 28-29 तारीख को हुआ था, उनको जाहिर सी बात है कि बहुत ही कम टाइम मिला था। ज़्यादा नहीं तो 13-14 दिन उनको प्रैक्टिस के लिए या पेपर प्रिपरेशन के लिए उनको 13-14 दिन दिए गए थे। जाहिर सी बात है कि उनको नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि उनके पास टाइम सबसे कम दिया गया था। हाँ, बशर्ते ये है कि जिनका पेपर नेक्स्ट मंथ 19 तारीख को हुआ था, उनको टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया था, और ये माना जा रहा है कि उनका पेपर थोड़ा सा, जो पहले पेपर हुए थे उनके मुकाबले उनका पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, लेकिन उनको टाइम भी उन्हीं के हिसाब से 20-22 दिन ज़्यादा मिल गए थे। तो जाहिर सी बात है कि जिन्हें कम टाइम मिला है उनको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। मेरे ख्याल से जो इजी शिफ्ट थी उनको 4-5 नंबर, जो मॉडरेट शिफ्ट थी उनको 7-8 नंबर, और जो हार्ड शिफ्ट थी उनको 9-10 नंबर तक मिल सकते हैं। और अब मैं बात करता हूँ कि कट ऑफ प्रोसेस क्या होगा। कट ऑफ बताना बहुत ही मुश्किल है, और आरआरबी की कट ऑफ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की कट ऑफ प्रिडिक्ट करना तो वैसे भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर पोस्ट बहुत सारी हैं और कैटेगरी भी बहुत सारी हैं। तो इसके अंदर माना जा रहा है कि सब शिफ्ट के, सब पोस्टों में, सब जोन के अंदर अलग अलग कट ऑफ बनेगी सब पोस्ट के लिए। तो किसी पोस्ट के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमम कट ऑफ चली जाए, किसी पोस्ट के लिए ऐसा भी हो सकता है कि हाई कट ऑफ चली जाए। कुछ भी कहा नहीं जा सकता कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि जब आरआरबी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय कुछ गड़बड़ कर दी हो, कुछ गलती हो गई हो। अगर पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय आपसे कोई गलती हुई है, अगर आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं 100 out of 150 में से, और किसी के 90-85 आ रहे हैं, और पोस्ट प्रेफरेंस उसका अच्छा है, अच्छा यानी कि उसने उसको, उस पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, आपने उसको सेकंड दी है, तो जॉब उसको मिलेगी उस पोस्ट पर। तो पोस्ट प्रेफरेंस का इसके अंदर बहुत ही बड़ा रोल रहेगा। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस सही भरी है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा नंबर वालों का ही होगा, कम नंबर वालों का भी हो सकता है, क्योंकि सब जोनों ने अपना अलग अलग एग्ज़ाम लिया है। ज़रूरी नहीं है कि सब जोनों के अंदर सारे मल्टी टैलेंटेड बच्चे ही हैं, क्रीमी लेयर ही हैं। कम भी जा सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और कम ही जाए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा भी जा सकती है। मेरा यही कहना है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस को एक बार देख लीजिए, अगर आपके पास अपना फॉर्म रखा है तो, फॉर्म जो आपने आरआरबी जूनियर इंजीनियर के लिए फिल किया था, उसके अंदर आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस एक बार चेक कर लीजिए। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परिणाम डेट है, यानी कि जो रिजल्ट डेट है, वो दिवाली से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा डिले इसलिए होगा, वरना तो 7-8 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता। थोड़ा डिले इसलिए होगा क्योंकि जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उसके अंदर भी काफ़ी गलतियाँ मिली हैं, तो काफ़ी सारे बच्चों ने उन पर भी प्रोटेस्ट किया है, या मैं कहूँ कि सवाल भेजे हैं कि ये गलत है, उनको दोबारा ठीक करो। इस तरीके से उन्होंने उनको मेल के थ्रू बताया है कि ये सवाल गलत है, इस पे ऑब्जेक्शन किया है, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया, और आरआरबी जो है रिवाइज आंसर की के बाद भी ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कर रही है। तो आपको थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन दिवाली से पहले तक आपका रिजल्ट कन्फर्म है कि आ जाएगा।
और दिसंबर में जैसा कि आप जान ही चुके होंगे कि दिसंबर में आपको जोन अलॉट हो जाएंगे कि आपको इस जोन में नौकरी करनी है, इस जोन में नौकरी नहीं करनी है, जोन अलॉट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इस मंथ के अंदर दिवाली से पहले आपका रिजल्ट आना ही आना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।